बहुत बहुत अध्यक्ष धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुझसे पूर्व तमाम साथियों ने बहुत ही आंकड़ों सहित अपने इस गहराई से इस चर्चा पर अपना वक्तव्य रखा है। अध्यक्ष जी, जब कोई किसान, किसी भी देश का किसान जब सड़कों पर उतरता है, आंदोलन करता है, हक की आवाज़ को बुलंद करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की आबादी और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करता है। अध्यक्ष जी, आज किसान आंदोलन को पूरा एक साल हो गया। इस एक साल के अंदर इस देश के किसानों ने तमाम तरीके के षड्यंत्र, तमाम तरीके की राजनीति, आंधी तूफान बरसात के अंदर एकजुट होकर इस देश की 128 करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, ये देश का जो किसान है, ये बहुत मेहनतकश, बहुत ईमानदार और बहुत ही धैर्य रखने वाला जो व्यक्ति है, इस देश का किसान करोड़ों लाखों लोगों की पेट पालने के लिए धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है, फसल उगाता है। इस देश का किसान देश की आबादी का पेट भरने के लिए तमाम तरीके की मेहनत, आंधी तूफान बरसात को झेलता है। खेती करने के दौरान आजकल तो बहुत तरीके तकनीक आ गई है, लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो बैलों से खेती हुआ करती थी और खेती खेत जोतने के समय कई बैल अड़ियल रवैया दिखाया करते थे। खेती जोतते टाइम किसानों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन किसान का धैर्य और अपनी सूझबूझ से उन अड़ियल बैलों से भी वो खेती करवा लिया करता था। सेम उसी प्रकार आज की मौजूदा केंद्र में बैठी हुई सरकार का जो अड़ियल रवैया है, जो किसानों के प्रति संकुचित मानसिकता है, इनके केंद्रीय मंत्री कभी इनको टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा देते हैं, इनके मंत्री कभी इनको लफंगे कहते हैं, तो ऐसे में अपने धैर्य का परिचय देते हुए इस अड़ियल सरकार की भी लगाम कसने का काम हमारे किसानों ने पिछले एक साल के अपने संघर्ष से किया है। ये वो बैल हैं जिन्होंने इस देश के किसान की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करी। जिस प्रकार से अड़ियल बैल खेत के अंदर अपना हट धर्मिता दिखाता है और किसान को परेशान करता है उसकी खेती करने में, हल जोतने में, तो इस सरकार ने भी वैसा ही अड़ियल रवैया अपनाया, हट धर्मिता दिखाई, जिद दिखाई, तानाशाही दिखाई। आज हमारा संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, उस संविधान की लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हत्या करने का भरसक प्रयास करा, जिस लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक समूचा संगठन, अलग अलग पार्टियों का, दर्जन भर से ज्यादा पार्टियों ने जिस किसान बिल का विरोध किया, उसी को अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए, अपनी हट धर्मिता दिखाते हुए इस मोदी सरकार ने पास किया। तो ऐसे अड़ियल रवैये को, ऐसे तानाशाही सोच को, ऐसी संकुचित मानसिकता को अपने धैर्य, अपने परिश्रम और अपनी ईमानदारी से झुकने के लिए मजबूर किया इस देश के किसानों ने। मैं इस देश के किसानों के को बधाई देती हूँ और उनके संघर्ष को भी बहुत उनकी सराहना करती हूँ कि तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बावजूद, उन्होंने अपनी जो है जिम्मेदारी को और अपने आप को देश की जिम्मेदारी जवाबदेही के लिए हमेशा प्रथम अग्रिम पंक्ति में रखा। तमाम तरीके के षड्यंत्र, कभी आतंकवादी कहना, कभी जो है उपद्रवी कहना, साजिशन अपने लोगों के, इनके जो है किसानों के आंदोलन में घुसाकर देश विरोधी बातें कराना, तमाम चीजों को हमारे किसानों ने देखा, महसूस किया, झेला। लेकिन अंततः ये देश लोकतांत्रिक है,
बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला ये देश है और अंततः इस लोकतंत्र के अंदर हमारे संविधान की और हमारे किसानों की जीत हुई। लेकिन अभी वो जीत को हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि ये वो सरकार है जो जुमलों पर चलती है, झूठे वादों पर चलती है। चंद में कुछ मिनट पहले कुछ कहती है और चंद मिनट बाद अपना बहरूपी या अंदाज दिखा देती है। उदाहरण स्वरूप, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन पिछले एक साल से इस देश का किसान संघर्ष कर रहा है अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी किसानी को बचाने के लिए और अपने अधिकार को बचाने के लिए। इस देश की इस झूठी सरकार ने, मक्कार सरकार ने कहा था कि हम रोजगार को दुगना कर देंगे, युवाओं की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन आज अपनी चरम सीमा के पार हो चुकी है इस देश की बेरोजगारी। तो ऐसी सरकार के ऊपर हम कदापि भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जुमलेबाज लोग हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी पाए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ गतिविधियां करते हुए। इन्हीं की सरकार, इन्हीं की पार्टी ने बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर महंगाई को कम करने का वादा किया था, लेकिन आज पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, सब्जियों के दाम देख लीजिए, और ये सरकार अपना जो जुमलेबाजी का चोला है वो आए दिन नया पहनती जा रही है, पहनती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति जो दिन भर मन की बात करता है, काम की बात नहीं करता, वो सुबह नहा धोकर टीवी पर आ जाता है और फालतू की मन की बातें करते हैं, काम की बातें वो करते नहीं। तो मैं उस व्यक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि मन की बात आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अब घर में तो कोई है नहीं, तो देश का ही खून पिएंगे, किसानों को ही दुखी करेंगे, युवाओं को ही दुखी करेंगे, और जो है देश को की जो GDP है, देश की जो स्थिति है, उसी को बर्बाद करने का काम करेंगे, एयरपोर्ट को बेचने का काम करेंगे। लेकिन आप जो भी करते हैं उसकी कम से कम अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करिए। आप एक दिन सुबह सुबह आते हैं चैनल पर और देश से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम किसान बिल को वापस ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप किसान बिल को वापस लेते हैं, उसके साथ साथ माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी के द्वारा जो प्रस्ताव पास इस सदन में हुआ है कि तमाम जिन लोगों की मृत्यु शहादत इस किसान आंदोलन के दौरान हुई, उन तमाम लोगों को, उनके पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी इस जुमलेबाज सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। किसानों को उनका अधिकार, स्वामीनाथन रिपोर्ट और जो भी किसानों की मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। चूंकि आज का विशेष सत्र हम लोगों ने किसानों के हित के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बुलाया गया था, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बीते समय के अंदर जो हमारे किसानों के ऊपर तमाम तरीके के केस लगाए गए हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार उन केसों को भी तुरंत प्रभाव से वापस ले। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज संविधान दिवस की स्थापना जो है, संविधान दिवस भी आज है, तो मैं आज संविधान दिवस की भी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आज आम आदमी पार्टी, वो पार्टी देश के अंदर जो आम जन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और तमाम वो चीजें जो इस देश के मतदाता का अधिकार है, आजादी के 75 साल के बाद भी इन सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ आम जन का दोहन करा, आम जन के अधिकारों का हनन करा, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार बनाया। उन तमाम लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का भी आज स्थापना दिवस है। मैं तमाम लोगों को, सदन के अंदर मौजूद तमाम लोगों को, उनके स्थापना, आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और फिर से इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ, इस सदन की सदस्य होने के साथ साथ, माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी के द्वारा प्रस्ताव जो उन्होंने दिया है, सदन के सामने पेश किया है, उसका मैं पुरजोर
समर्थन करती हूं और ये निवेदन करती हूं कि केंद्र सरकार के कानों तक ये बातें जाए और वो किसानों के हित में बेहतर से बेहतर प्रयास करे और जो भी उनके अधिकार हैं उनको वो वापस देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद, जय भारत।